अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। अब हम मैथ का ये काम करेंगे, न्यू काउंटडाउन टू। ठीक है, अभी आप लोग बुक्स ओपन करें अपनी जल्दी से। बच्चों, जो हमने आज काम करना है वो है पेज 3 मैथ का, पेज 3। और इसमें क्या कह रहे हैं आपको, पुट दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। आपने इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, यानी छोटे से बड़े नंबर्स की तरफ जाना है आपने। पहले स्मॉल नंबर्स लिखने हैं, फिर बड़े बड़े होते जाएंगे, फिर आपने बड़े नंबर्स की तरफ जाना है। इन सर्कल में आप देखेंगे कि नंबर्स इन्हें लिखे हुए हैं, तो आपने उनमें से ढूंढना है सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है, क्योंकि हमने सबसे पहले छोटा नंबर लिखना है ना। असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ जाना है, असेंडिंग ऑर्डर में जब आपने लिखना है छोटे नंबर से बड़े की तरफ जाना है। सबसे पहले छोटा नंबर लिखना है आपने। तो इस डिब्बे में आप देखें कि कौन सा नंबर सबसे छोटा है, 6। ये 6 सबसे छोटा है, वो उन्होंने सबसे पहले लिख दिया। इसके बाद कामा लगा दिया, इसके बाद 6 के बाद 7 देखे है, नहीं है। 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है इस डिब्बे में, 10 भी नहीं है। अब 11, अब ये जो 11 है अब इसकी बारी, इसको लिख दिया। ठीक है, आगे उन्होंने कामा लगा दिया। फिर 12 ढूँढे, 13, 14, 15 नहीं है। 16 देखें, 16 भी नहीं है। 17, ये 17 लिखा हुआ, अब ये इधर आ गया। ठीक है, फिर कॉमा, एक नंबर पूरा लिखने के बाद कॉमा लगा दिया। फिर 17 के बाद ये भी हो गया, 11 भी हो गया, 17 भी हो गया, और 6 भी लिख दिया हमने। अब 17 के बाद देखें कौन सा नंबर बड़ा है, ये 32 बड़ा है, ये लिखेंगे इधर। ठीक है, 32 हमने लिख दिया। अब 32 के बाद 49 बड़ा है या 82, 32 के बाद 49 बड़ा है ना, ये 49 इसको इधर लिख दिया। ठीक है, 49 के बाद 82 ये इधर लिख दिया। इस तरह ये देखें, सबसे छोटा नंबर पहले असेंडिंग ऑर्डर में जब लिखेंगे, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर 32, फिर उससे बड़ा, फिर उससे। ठीक है, एंड पे सबसे बड़ा या असेंडिंग ऑर्डर है। तो इस तरह आपने करना है। इसी तरह आपने ये क्वेश्चंस भी करने हैं, ये और ये और ये। आज हमने बस ये 4 क्वेश्चंस करने हैं असेंडिंग ऑर्डर के, और बुक पे ये काम करना है, और पेज भी रेडी कर लेना है आपने। ऊपर एच डब्ल्यू लिख लेना है, आज की डेट लगानी है, और इधर डे लिख देना है।